12 वर्षों से भारतीय सेना के जवानों के लिए लगातार बहुत सारे उपक्रम करती है। विशेष रूप से अपने सेना के जवान जो शहीद होते हैं, वो शहीदों के परिवार के लिए लगातार अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत शक्तिशाली अगर है, ताकतवर है, तो हमारे भारतीय सेना के, थल सेना के, जल सेना के, वायु सेना के जवानों की शहादत पे हिंदुस्तान बना हुआ है। और इसके लिए अथर्व फाउंडेशन हमारी जो संस्था है वो लगातार भारत भर में काम करती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में हमने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, मेरा प्रवास भी भारत में नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेके दार्जिलिंग तक, या फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ पर के राज्यों में एम्बुलेंस देने का एक नई योजना हमने बनाई थी। हमारे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, जो देश के लिए 30-35 वर्ष सेवा देके आने के पश्चात पहाड़ी इलाकों में वापस अपने घर में रहने को जाते हैं, उनके लिए आरोग्य की सेवा हो, उनके लिए उनके गाँव में, उनके पहाड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इसके लिए एक नया उपक्रम हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने पहले बार मणिपुर में एक एम्बुलेंस हमने भेंट दी थी। आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने नागालैंड और सिक्किम के राज्यों के लिए, जो हमारे पूर्व सैनिक राज्य बोर्ड है, जिसको हम जिला सैनिक बोर्ड कहते हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड के तहत ये 2 एम्बुलेंस हमने आज यहाँ से उनको भेंट कर दी है। आने वाले समय में मिजोरम, मेघालय, सिक्किम जो है, और दार्जिलिंग, यहाँ पर की जो सेवाएं हैं एम्बुलेंस की, वो भी हम करने वाले हैं। और ये उपक्रम अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से लगातार चलते रहता है। कर्नल कपूर साहब हमारे साथ हैं, कर्नल राजे, कर्नल चौचे, ये लगातार हमारे साथ काम करते रहते हैं। भारत की विशेषता ये है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी पूर्व सीमा के पार चीन है, और लगातार चीन की पास से आने वाले आतंकवादी, या फिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से आने वाले आतंकवादियों के साथ लगातार हमारे सेना के जवान लड़ते रहते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बहुत बार हमारे भारतीय सेना के जवान भी शहीद होते हैं। उनके शहीद होने के पश्चात उनके परिवार को ये लगे कि पूरा देश हमारे परिवार के साथ खड़ा है। इसके लिए हम सब मिलते हुए हमारे सेना के जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान जताने का काम करते हैं। इसके लिए और कोई सुविधा आप उपलब्ध करवाएंगे? सुविधाएं तो हम लगातार बहुत सारी करते हैं। जैसे हमारे शहीद जवानों की बेटी को पढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश भर में चलता है, लेकिन इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमने एक नई कल्पना हमने सोची थी कि हमारे शहीद परिवारों के घर में जो बेटियां हैं, उनको आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पढ़ाने के लिए हमने कंप्यूटर का वितरण शुरू किया था। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से जब हम वहां पर पोर्ट ट्रस्ट में डायरेक्टर इस नाते आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नेतृत्व में काम करते थे, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, अथर्व फाउंडेशन और हमारे मित्र परिवार, इनके माध्यम से करीबन 350 से 400 कंप्यूटर का वितरण का काम पूरे देश भर में शहीदों की बेटियों के लिए हम लगातार कर रहे हैं। उसका काम शुरू है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम से लेके दूर दराज इलाके में, यानी बॉर्डर तक, होशियारपुर तक, गुरदासपुर तक, हमारे अथर्व फाउंडेशन के कार्यकर्ता इन बेटियों के पास पहुंचते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी के माध्यम से कंप्यूटर का वितरण करते हैं। आपकी तरफ से जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, एम्बुलेंस भी दिए जाते हैं, लेकिन जब इन एम्बुलेंस को देने के बाद आपकी कितनी नज़र आगे भी बनी होती है कि जो सेवा है लोगों तक पहुँच रही है, उसकी कंडीशन क्या है, आगे भी आप इसका ध्यान होता है आपको? पहला तो ये ऐसा है कि ये कोई साधारण नागरिकों को हम नहीं देते हैं, ये हम देते हैं जो पूर्व सैनिक है, जिन्होंने इस देश के लिए पिछले 30-30 साल सेवाएं दी है। यानी आप विचार करो, मणिपुर में जो हमारे कर्नल सिल्थो है, जिन्होंने उम्र के 20 साल में वो सेना में भर्ती हुए थे, और जब रिटायर हुए कर्नल इस नाते, तब उनकी उम्र 58-59 साल थी, 2 साल उन्होंने और काम किया, यानी 61 की उम्र में वो वापस आए अपने गाँव में मणिपुर में। और अब एम्बुलेंस जो पूर्व सैनिक बोर्ड होता है, जिला सैनिक बोर्ड होता है, उसके माध्यम से वो अभी एम्बुलेंस उनके कार्यालय में लगी हुई है।
तो ये एम्बुलेंस हमारे पूर्व सैनिकों के हाथों में रहती है और हमारा पूरा विश्वास है जो सैनिक अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, अगर वो वहाँ से वापस लौटता है तो देश की सेवा करने के बाद 30-35 साल किसको कहते हैं, 35 साल दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान जब वापस आता है तो सब नियमों का पालन करते हुए सभी नागरिकों को सोई सुविधा देने का प्रयास करता है। खर्चा कौन उठाएगा सर, खर्चे जो होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है या वो उनका जिला सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड होता है, जिला सैनिक बोर्ड को देश की अलग अलग अपने विभागों के माध्यम से, जिला सैनिक बोर्ड यानी जो निवृत्त सैनिक होता है उसके लिए विविध योजनाएं से सरकार कोई भी हो सरकार ये सब योजनाएं करती रहती है।